लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मणिशंकर पांडे ने घोषणा पत्र के साथ साथ वाराणसी की सबसे चर्चित विधानसभा शहर दक्षिण विधानसभा से युवा ब्राह्मण प्रत्याशी पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अर्पण पाठक को उम्मीदवार घोषित किया। अर्पण पाठक ने बताया कि वह अपने मुद्दे मेरी विधानसभा मेरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम पिछले कई दिन से डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि लोग जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं हैं, कि वह उनके बीच नहीं रहते हैं और उनकी समस्या शासन तक नहीं पहुंचा पाते। हम अपने विधानसभा में ट्रैफिक की समस्या का निवारण करेंगे, घाटों पर शौचालय व चेंजिंग रूम बनवाएंगे, सीसीटीवी युक्त विधानसभा बनवाएंगे एवं क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में युवाओं के लिए युवा आयोग, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, महंगाई तत्काल रूप से कम करेंगे, बेरोजगार भत्ता 2000 रुपये महीना करेंगे, सरकारी रिक्त पदे जल्द से जल्द भरेंगे, हम लोग शिक्षा निःशुल्क प्रदान करेंगे। ये बेसिक हमारे पॉइंट्स हैं, ऐसे 15 और पॉइंट्स हैं जिस पर हमारा ये घोषणा पत्र रिलीज हुआ है आदरणीय श्री मणिशंकर पांडे जी के द्वारा उनके नेतृत्व में। कुछ शिक्षाएं में लोग बराबर करते हैं कि किस शिक्षाएं में अब जो है फीस माफ़ हो जाएगी या फीस कम हो जाएगा या बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कुछ दिन जब बीत जाता है तो फिर वही रवैया चालू हो जाती है। इसमें आप बताते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब सरकार में बदलाव आना चाहिए, कुछ युवा आने चाहिए जो शिक्षा का मूल्य जानते हों, जो एजुकेशन की वैल्यू जानते हों। इसीलिए हम लोग ने हाई स्कूल तक हम लोग ने कोई ऐसा जुमला नहीं फेंका कि हम इतना कर देंगे आजीवन तक पढ़ाई का, पर सरकारी स्कूल में हाई स्कूल तक की बेसिक शिक्षा उसको हम निःशुल्क प्रदान करेंगे और सत्ता में आएंगे तो हम लोग उसको साबित भी करेंगे। आने वाला 2022 का जो चुनाव है तो कुछ तो आपकी पार्टी एम बनाई होगी कि हम यूपी के अंदर इतनी सीट पर लड़ रहे हैं तो इस सीट को जो है कितनी सीट को हम निकाल सकते हैं। जैसे तमाम पार्टियां जो है ये कह रही हैं कि हम 250 लाएंगे, कोई कह रहा 300 लाएंगे, तो आपकी पार्टी ने भी तो कुछ ऐसा मन बनाया होगा कि जो 100 सीट लड़ रही है, 10 सीट, 20 सीट, 50 सीट, कुछ तो आंकड़ा होगा आपकी पार्टी का। देखिए, पार्टी का आंकड़ा एकदम बेशक हम 100 सीट पर लड़ रहे हैं और हमारा यही एम रहेगा कि हम 100 में से कुछ नहीं तो हम 90% तो अचीव करके रहे, और बेशक आदरणीय मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में हम कुछ नहीं तो 75 से 80 सीटों पे हर पार्टी से आगे रहेंगे। सर, आज जो है बेरोजगार युवा जो है लाठी डंडा खा रहे हैं, आपकी सरकार आती है तो क्या होगा इन बेरोजगारों का? हम लोग ने बताया जैसे कि युवा बेरोजगारों के लिए हम लोग बेरोजगार भत्ता 2000 रुपये महीना करेंगे और जितने भी सरकारी रिक्त पदे हैं उनको हम लोग तत्काल प्रभाव से भरने का काम करेंगे, और जितने भी ऐसे हमारे मैनिफेस्टो में दिखाया कि नए भी जितने भी पद हैं उसको हम लोग लेके आएंगे, सृजन करेंगे। तो उन्होंने मोबाइल टावर का निर्माण और साथ ही साथ जन जन तक मोबाइल पहुंचाने के लिए वो तकनीक बनाई और उसका निर्माण किया। बीते 2 साल तो पूरे विश्व के लिए ही बहुत ही कठिन थे, उसमें भी अपनी सेहत का फिक्र नहीं करते हुए आसवान जी ने जन कल्याण अन कल्याण योजना के तहत अंत्योदय कार्ड होल्डर्स के लिए 5 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल पूरे देश में करीब 80 करोड़ लोगों तक उन्होंने पहुंचाया था, जिसका लाभ, जिस योजना का लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। इसी उद्देश्य के साथ पासवान जी हमेशा कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव में उतरी है कि जन जन की समस्या दूर करेगी और जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है वो विकास हम लोग पहुँचाएंगे। ये मैनिफेस्टो हम लोग का रिलीज हुआ है पार्टी। पूरा परिचय बताए अपना। मैं अर्पण पाठक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वाराणसी शहर दक्षिणी से प्रत्याशी हूँ। इस बार जो लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव में उतरी है, जैसा कि हमने सुना कि 100 सीट से लड़ेगी, तो क्या लगता है कि जो है तमाम पार्टियां जो है चुनाव में उतरी हुई हैं, आपकी पार्टी को क्या लाभ हो सकता है, क्या सीट आ सकती है आपकी पार्टी की? देखिए, हम लोग लाभ हानि सोच के नहीं चल रहे, हम लोग जनता के लिए सोच के चल रहे हैं। जन जन की पार्टी है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पद्म भूषण से सम्मानित, उन्होंने अपना 50 साल का जीवन जनता की भलाई के लिए दे दिया कि कैसे देशवासियों का जीवन बेहतर हो। उन्होंने हमेशा, चाहे वो रेल मंत्री होते हुए कुलियों के लिए उनको सम्मान दिलाना हो, उनके लिए स्थायी नौकरी और आजीवन पास बनाना हो, चाहे मोबाइल टावर्स का
निवारण करना हो जब वो दूरसंचार मंत्री थे, और चाहे कोरोना काल में खाद्य मंत्री होते हुए अपनी जान की बिना चिंता की उन्होंने दिन रात मेहनत करके अंत्योदय कार्ड होल्डर्स के लिए निःशुल्क 5 किलो चावल और 1 किलो चना उन्होंने बंटवाया था 80 करोड़ लोगों तक। तो हम लोग भी यही उद्देश्य लेके धर्म नजात की बात करते हुए, सबकी बात करते हुए चुनाव मैदान में उतरे हैं, और हम लोग पूरा संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में, और जैसे जनता की इच्छा होगी जो आदेश होगा उसको स्वीकारा जाएगा। सर ये जो है क्या नाम है, आपकी पार्टी का इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा जो आप उतरे हैं क्या नाम है फील्ड में, आपकी पार्टी फील्ड में उतरी है तो क्या मुद्दा होगा इस बार जो है? आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र हम लोग का रिलीज हो चुका है, और उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, और युवा गठन आयोग की भी उसमें बात की गई है, युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ता जो है वो 2000 प्रति महीना किया जाएगा, किसानों के लिए उपकरण पे जो टैक्स है उसको कम किया जाएगा।